सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पहलू के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर जो हम पढ़ते हैं हमसे याद नहीं होता है, और मैं रात को शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को क्योंकि मेरा एक नाइट ड्यूटी है। तो किसी भी चीज़ को याद करने का एक साइंटिफिक वे होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक पढ़ी हैं और उसमें बहुत सारे तरह से बताते हैं कि कैसे चीज़ों को याद किया जाए। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है और आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक वे क्या है किसी भी चीज़ को याद करने का। तो देखिए, याद करने का हम बचपन से देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसे कुछ चीज़ मुझे याद कराना है तो चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ। जैसे आप छोटे बच्चों का बुक देखिए तभी आप बड़ों का सीख पाएंगे। तो छोटे से बच्चे का अगर आप बुक देखते हैं तो उसमें ए फॉर एप्पल, एप्पल का एक मतलब एप्पल का डायग्राम बना होता है, बॉल का डायग्राम बना होता है, कैट का डायग्राम बना होता है। तो बच्चे जो होते हैं इमेज से लर्न करते हैं और हमारा दिमाग भी ऐसा ही ओरिएंटेटेड होता है कि हम इमेज बेस्ड चीज़ों को अच्छे से ग्रैप्स कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को याद करें तो आपके दिमाग में उस विजुअलाइजेशन को सोचें, एक इमेज तैयार करें। सपोज़ मैं बायो का टीचर हूँ तो एक बायो के वे से बता रहा हूँ। आप मान लीजिए 12th क्लास में हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में अगर कोई भी है, मान लीजिए एक टॉपिक है छोटा सा जैसे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि पॉलन कुछ चीज़ होता है, पिस्टल कुछ चीज़ होता है, उसके ऊपर आके स्टिक हो रहा है, फिर इंट्रैक्शन हो रहा है, फिर पॉलन ग्रेन अंदर जा रहा है। मतलब इमेज बनाइए अपने दिमाग में, क्योंकि अगर जब तक आप इमेज बना के चीज़ों को अच्छे से अंदर तक नहीं बना पाएंगे तब तक वो भूल जाएगा, रिटेन नहीं होगा। चीज़ों को अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आप, बुक पढ़ रहे हैं, आपको बहुत दिन तक रिटेन रखना है इस चीज़ को। तो इमेज बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए आपकी, और इमेज उस चीज़ को बनाएं, इमेज बना के उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो बहुत इजी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका तीन चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 11th क्लास में हैं और आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो सपोज़ NCERT के वे में हम देख लेते हैं कि NCERT की बुक है और आप NCERT की बुक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ट्राई करें कि एक सिटिंग में एक बार बैठ गए आप तो 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा अच्छे से रीड करें। अगर मान लीजिए एक लाइन स्टार्ट हो रहा है फुल स्टॉप से लेके दूसरा फुल स्टॉप तक, तो उस चीज़ों को समझें कि क्या कह रहा है चीज़ें, और उस चीज़ को विजुलाइज़ करें कि मतलब कि हाँ उस दिमाग में बैठाएं कि हाँ ये चीज़ें हैं, और जैसे जो भी स्टेटमेंट है या जो भी सेंटेंस है उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उसे अच्छे से दिमाग में बैठाएं। और फिर जब तक वो समझ में नहीं आ जाता है सेंटेंस तब तक वो आगे आप नहीं बढ़ें। फिर नेक्स्ट फुल स्टॉप से अगला फुल स्टॉप है तो उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझें। भले ही आपको 5 घंटे लग जाएं, 10 घंटे लग जाएं, जब तक एक चीज़ अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे तो आप हड़बड़ी ना मचाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 5 घंटे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा और आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो उस चीज़ को मैं फिर इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है, क्या रिवीजन का प्लान क्या होना चाहिए ताकि वो चीज़ें आपको काफ़ी दिन तक रिटेन रहे। तो पहला चीज़ ये हो सकता है कि अगर रिटेन करना है चीज़ों को तो चीज़ों को अगर रिटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया है, पढ़ाई किया है, फिर उसके बाद ये होना चाहिए कि मान लीजिए नेक्स्ट डे आप किसी भी सब्जेक्ट का प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के पहले आप सबसे पहले कि वही चीज़ का रिवाइज़ करें। जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 घंटे में पढ़ाया है, अच्छे से समझ के पढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही कम टाइम में रिवाइज़ हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन करने का क्या प्लान है। जैसे मान लीजिए आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो उसे रिवीजन कैसे करें, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि आप अगर आपके शेड्यूल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज़ करें। आपने 5 घंटे लगा के पिछले दिन पढ़ा है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस चीज़ को रिवाइज़ करना है।
तो आपको मुझे हद से हद लगता है कि 1 घंटे में आप रिवाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपने 5 घंटे लगा के हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उसे विजुलाइज़ किया है, दिमाग में बैठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 5 घंटे का हो गया 1 आवर, 1 आवर में आपने रिवाइज़ किया। और रिवीजन जो होना चाहिए विद इन 24 आवर होना चाहिए, इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि क्यों 24 आवर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग से निकल सकती हैं। तो रिवीजन जो है आपको 24 आवर के अंदर अंदर करना है। अब मान लीजिए तीसरे दिन में पहुँचे, जैसे कोई भी चीज़ को याद करने का तरीका क्या है कि उस चीज़ को बार बार रिपीटेशन में लाए, दिमाग में बैठते रहेगा। अगर बार 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 आप खुद से सोचिए कि आपने अपने नाम को कभी याद किया है, अपने कभी पापा का नाम याद किया है, कभी कभी आपने स्कूल का नाम याद किया है, बैठे तो नहीं है ना, क्योंकि उतने बार 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 चीज़ों को पढ़ने से याद हो गया। आपके माँ बाप का नाम कितने बार आपने लिखा होगा, किसी को बताया होगा, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। सेम लॉजिक आपको यही अपनाना है कि चीज़ों को रिपीटेशन में लाइए, बार 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 करके ही आप याद करेंगे, और कोई याद करने का तरीका है ही नहीं। रिपीटेशन रिवीजन इज़ अ की फॉर दैट इज़ रिटेन द थिंग्स। तो पहले तो आपको अच्छे से रीडिंग देना है, समझ समझ के पढ़ना है, इमेज बेस्ड डेवलप करना है, देन उसको 24 आवर के अंदर अंदर अच्छे से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद जो रिवीजन आएगा वो 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद फिर उस चीज़ों को रिवाइज करें, फिर उसके बाद 7 दिन और फिर 1 महीने। मतलब ये शेड्यूल है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है और मुझे इस पर पता चला है कि रिवीजन का ये प्लान होना चाहिए, और जो रिवीजन है वो इतने ही दायरे में होना चाहिए कि मतलब कि बार बार चीज़ों को रिपीटेशन करके ही आप कर सकते हैं। तो पहला अच्छे से पढ़ाई करना, मतलब कि अच्छे से सारे चैप्टर को रीड आउट करना, देन 24 आवर के अंदर अंदर रिवाइज़ करना, फिर 3 घंटे 3 दिन के बाद रिवाइज़ करना, फिर 7 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर हम सारे इतना सारा चीज़ पढ़ते हैं तो हम कैसे कैसे करेंगे कि 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद। तो ये आप एक लिस्ट बनाइए, जैसे आज है मान लीजिए 1 अक्टूबर है या दिसंबर या जनवरी, जो भी चीज़ है, 1 दिसंबर को आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 24 आवर के अंदर रिवाइज़ किया, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, तो एक पूरा आपका एक रजिस्टर है। फिजिक्स में भी ऐसा ऐसे बना लिए और देखिए कि कौन सा जो चैप्टर है वो कम हमने रिवाइज़ किया है, तो उस चीज़ को रिवाइज़ करें। तो रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको लिए कर सकते हैं। तो ये रहा कि पढ़ने का और रिवीजन करने का तरीका। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आपने रिवाइज़ भी कर लिया 24 आवर के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो उसको एप्लीकेशन में लाइए। तो कैसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं, तो अगर आप नीट का देख रहे हैं तो एप्लीकेशन में लाने का तरीका क्या है कि एमसीक्यू करना। आप एमसीक्यू करें, अगर मान लीजिए आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है या जेनेटिक्स पढ़ा है या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है या कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो उसको अच्छे से आपने रीड किया, रिवाइज़ किया, देन एप्लीकेशन के लिए आप एमसीक्यू कर सकते हैं। एमसीक्यू करने का वही तरीका है, आपको आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है और दिमाग में देखना है कि भाई हमने जो ये पढ़ा था उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका क्या है। अगर इन केस आपको एमसीक्यू नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, तो ये आपकी गलती है, आपने उस समय 5 घंटे जो दिया था वो अच्छे से दिया नहीं, रिवाइज़ भी नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। तो फिर से एक बार थॉरली आपको चैप्टर को रीड करना है, क्योंकि आपने गलती की है, वो गलती एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। अभी आप कर सकते हैं बट एग्ज़ाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे का मैसेज आता है कि एक चैप्टर का कितना एमसीक्यू करें, देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 200 एमसीक्यू कर रहे हैं या 300 कर रहे हैं, बट इतना कीजिए जिससे आप सेटिस्फाई हो सके कि मतलब जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हमने सीखा है, और इससे बेस कोई क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप में बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको करना है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि प्रॉपर प्लान आउट होना चाहिए। जैसे आपने 5-6 चैप्टर पढ़ लिया तो आपको एक शीट पे, जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, तो आपको डे में डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर में लैकिंग है जो मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ को आप बना के एक आगे चिपकाइए और उसको देखिए कि हाँ ये लैगिंग है मेरा, उसको रिवाइज़ करना है, एमसीक्यू करना है, तो ये बेटर तरीका है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा कि कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे भी चीज़ों को रखना है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपके एक इंथुजियाज्म होना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हम चीज़ों
चीज़ों को सीख रहे हैं तो कैसा लग रहा है, और इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। तो चीज़ों को एक इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ाई कीजिए। तो क्योंकि देखिए, पढ़ाई के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ें, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और क्या होता है कि कभी कभी, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर आप जैसे कोई भी चीज़ को, नया चीज़ देखते हैं तो उसको नया की तरह सोचिए, क्योंकि आप मतलब कि कुछ अद्भुत चीज़ें देखते हैं तो वो आपको दिमाग में जाता है। तो हर चीज़ को आप ऐसा सोचिए कि मैंने कुछ नया सीखा है, कुछ नया मुझे इस चैप्टर को पढ़ के लगा है कि ये भी हो सकता है, ये पोलन पिस्टल से जाकर इंटरेक्ट कर सकता है। मतलब ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में चलाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई कार है और पानी में तैर रही है और मैंने कहीं देखा है, तो हमेशा मुझे याद रहेगा कि एक कोई कार है जो पानी में तैर रही है, क्योंकि ये अजूबा है, मतलब ये डिफरेंट है चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को आप डिफरेंट करके, कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप करके चीज़ों के अंदर रिटेन कर सकते हैं, इमेज बेस्ड करके रिटेन कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं ट्राई करूँगा कि इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो बना सकूँ या लाइव सेशन में आ सकूँ। तब तक लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, और शेयर करते हैं तो बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। मेरा एम ही है कि उन सेक्शन से बच्चों को उठाना जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो वहाँ पे तो बच्चों को बहुत एक फैसिलिटी डेवलप हो जाता है, बट हम रूरल बैकग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आप वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत बड़ा एक योगदान है आपको कि उस सेक्टर से बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपको क्यूरियोसिटी हो, क्वेरी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।